अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे अवर लेसन इज़ क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 मलका कोसार, यानी कि मरी। मरी को बोलते हैं मलका कोसार, यानी कि पहाड़ों की मलका। इसका आज हम रीडिंग करेंगे, तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। सबसे पहले इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मायने आपको बताते चलूँ। नबर्द आजमा, किसी काम के साथ निपटना, यानी कि काम करना। खनक, ठंडा, सुहाना, खूबसूरत, मबहूत, हैरान कर देने वाला। आगोश, गोद। सयाह, घूमने फिरने वाले, सियाहत करने वाले। यकबस्ता, बहुत ज़्यादा ठंडा, सहर अंगेज, जादू भर से भरपूर। मरी पंजाब का तारीखी मुकाम है। यह ज़िला रावलपिंडी में शामिल है। रावलपिंडी के शुमाल मशरक में गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाकया है। सत्ता समुंदर से इस सेहत अफजा मुकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फिट है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है, अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। दिसंबर के आखिरी अशरे से लेकर फरवरी के इब्तदाई अशरे का दौरानिया शदीद बर्फबारी का ज़माना है। इस दौरानिये में मरी में यकबस्ता मौसम का राज होता है। सर्दियों में भी यहाँ खूब रौनक होती है। जब सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है तो मुल्क भर से बर्फ़बारी का मंजर देखने के शौकीन यहाँ पहुँच जाते हैं। मरी में सर्दियों की शाम बहुत खूबसूरत होती है। बर्की कमकमों की रंगारंग रोशनियों में यूँ महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। दिलफरेब खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से मरी को मलका कोसार कहा जाता है। गर्मी के मौसम में मरी की खनक हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। मरी पाकिस्तान भर के पुरफिजा पहाड़ी मकामात में से नहायत मारूफ और खूबसूरत सैरगाह है। गर्मियों के मौसम में हर दूसरे तीसरे रोज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से मरी का मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाएं तो रास्ते के दोनों तरफ मौजूद चीड़ और सनोबर के ऊंचे और खूबसूरत दरख्त सयाहों को खुशामदीद कहते हैं। त्रेट के मुकाम से आगे निकलते ही मरी का दिल फरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। बलखाती सड़क और थोड़े थोड़े वक्फे से आते पड़ाव सयाहों को मजबूत कर देते हैं। 19वीं सदी की तीसरी दहाई में अंग्रेज़ों ने मरी में बेस कैंप बनाया तो इस शहर को मरकज़ी अहमियत हासिल हुई। 1857 की जंग आज़ादी में जहां बरसगीर पाक को हिंदू के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वालों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य के खिलाफ में जज्बात का इजहार किया, वहां मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे न रहे। इन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गोरेला जंग शुरू की और इसमें खासे कामयाब भी रहे। लेकिन जब मजमूई तौर पर बरसगीर पाक को हिंदू में 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई तो अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका मैसर आया। जब अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी के मुजाहिदों को मुख्तलिफ नौयत की सज़ाओं से गुजारा तो इस खत्ते के उन फर्जिंदों को तोप दम किया गया जो अंग्रेज़ों के खिलाफ नबर्द आजमा रहे थे। आज भी बाग शहीदा में इन जानसारों की कब्रें इनकी हिम्मत, जुर्रत और हौसले की गवाह हैं। तहरीक पाकिस्तान में भी अहले मरी का किरदार नुमाया रहा है। पाकिस्तान के जिन शहरों को कायदे आज़म के कदम चूमने का शर्फ हासिल है, इनमें मरी भी शामिल है। 1946 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना के हमरा कश्मीर से होते हुए मरी तशरीफ़ लाए और मरी के मारूफ GPO चौक में फर्जंदान इस्लाम से खिताब किया। मरी एक मरकज़ी सड़क के इर्द गिर्द आबाद है, जिसे माल रोड कहते हैं। माल रोड पर सैकड़ों होटल हैं। यहाँ बाहर से आने वाले सयाह क़याम करते हैं। मरी के माल रोड की एक तारीखी और तहजीबी हैसियत है। ये GPO चौक से शुरू होकर पिंडी पॉइंट तक जाता है। इसके दोनों तरफ खूबसूरत होटल और दुकानें मौजूद हैं। मरी के बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें दस्तयाब हैं, जहां से सयाह अपनी ज़रूरत की चीज़ें तहाइफ खरीदते हैं। मरी के माल रोड के अलावा पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, बाग शहीदा भी काबिल दीद मकामात हैं। मरी के गिरदो नवा में न्यू मरी, गड़ियाल कैंप और बोरबन भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। न्यू मरी में चेयरलिफ्ट और केबल कार सयाहों की दिलचस्पी का महवर है। बच्चे, बूढ़े और जवान चेयर लिफ्ट और केबल कार पर बैठ कर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई केबल कार से ज़मीन का दिलकश मंजर सयाहों को मजहूर कर देता है। मरी के करीब घोड़ा गली के मुकाम पर स्काउट की तरबियत गाह के अलावा मारूफ व मशहूर लार्लेंस कॉलेज है, जो अंग्रेज़ी दौर में अंग्रेज़ बच्चों के लिए और क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी बच्चों के लिए तालीम व तरबियत का अहम मरकज़ है। सर्द हवाओं, बुलंद बाला दरख्तों, पुरकशिश पहाड़ों और वक्फे वक्फे से आती जाती बादलों की टोलियों के बीचों बीच पर खाती हुई एक सड़क मरी को एबटाबाद से मिलाती है। इस सड़क के तवस्त से अयूबिया, खानसपुर, बाड़ा गली, नथिया गली वगैरह के सहरंगेज मुकामात की सैर की जा सकती है। मरी पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन तफरीही मुकामात में से एक है। गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में यहाँ मुल्क के देकर मुकामात से आने वाले सयाहों का तांता बना रहता है, यानी कि रश लगा रहता है। ये सयाह यहाँ आकर खालिक कायनात की पैदा करदा इन खूबसूरत निशानियों और दिलफरेब यानी कि खूबसूरत मनाजिर से अपने दिलों को लुभाते हैं, यानी कि खुश होते हैं। ये था जी हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।